आराध्य देव के चरण में वंदन, उपस्थित प्यारे प्यारे स्कॉलर्स, आज हम जैन तत्व विद्या के अंतर्गत दूसरे वर्ग की चर्चा करेंगे। पहले वर्ग की चर्चा कंप्लीट हो चुकी है जिसमें 25 बोल थे, अब जैन तत्व विद्या का दूसरा वर्ग इसमें भी 25 बोल हैं। 25 बोल में आज हम पहले बोल की चर्चा करेंगे। तो पहले बोल में अजीव के प्रकारों की चर्चा की गई है। अजीव के दो प्रकार, अरूपी और रूपी। अरूपी किसे कहते हैं, रूपी किसे कहते हैं? अरूपी का मतलब होता है जिसका कोई शेप नहीं होता है, आकार नहीं होता है, और शेप नहीं होगा तो उसमें वर्ण भी नहीं होगा, यानी कलर भी नहीं होगा, स्मेल भी नहीं होगा, टेस्ट भी नहीं होगा, टच भी नहीं होगा, क्योंकि अरूपी होता है वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको केवल केवल ज्ञानी देख सकते हैं या अवधि ज्ञानी देख सकते हैं, लेकिन हम छद्मस्थ हैं, मतलब जब तक हमें अवधि ज्ञान या केवल ज्ञान नहीं हुआ है तब तक हम नहीं देख सकते हैं। उसको केवल हमें मानना पड़ेगा कि हाँ अरूपी कोई चीज होती है, दिखाई नहीं देती। जैसे आत्मा हमें दिखाई नहीं देती है फिर भी हम उसका अस्तित्व मानते हैं, जैसे हवा चलती है, हवा हमें दिखाई नहीं देती फिर भी हवा को हम मानते हैं, स्मेल है वो भी हमें नहीं दिखाई देती फिर भी हम उसको मानते हैं क्योंकि उसका अस्तित्व है। अरूपी का मतलब होता है जिसका कोई शेप नहीं होता है, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है। रूपी का मतलब होता है जिसका शेप होता है, जैसे चेयर है, घड़ी है, मोबाइल है, उसका आकार होता है। तो आकार जिसका भी होता है, शेप होता है, उसमें कोई ना कोई कलर होगा, कोई ना कोई स्मेल होगी, कोई ना कोई टेस्ट होगा, कोई ना कोई टच होगा। उसको हम टच भी कर सकते हैं, उसकी स्मेल भी ले सकते हैं, उसका कलर भी होता है कोई ना कोई, और हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, तो वो होता है रूपी। अजीव के दो प्रकार, अरूपी और रूपी, आपको समझ में आ गया अरूपी किसे कहते हैं और रूपी किसे कहते हैं? ध्यान से सुनेंगे क्योंकि लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। अरूपी अजीव तत्व के चार प्रकार है। तो सबसे पहले हम अरूपी की चर्चा करेंगे। जो अरूपी अजीव है उसके चार प्रकार है। चार प्रकार कौन से है? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल। ये चार नाम याद कर लेंगे, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल। तो सबसे पहले हम धर्मास्तिकाय की चर्चा कर रहे हैं। तो धर्मास्तिकाय किसे कहते हैं? गतिशील जीव और पुतलों की गति में उदासीन भाव से सहयोगी, यानी जो भी जीव और पुद्गल गति कर रहे हैं उनमें जो हेल्प करते हैं, उदासीन यानी तटस्थ भाव से जो हेल्प करते हैं उसे धर्मास्तिकाय कहते हैं। धर्मास्तिकाय अपने आप में निष्क्रिय है, वो कुछ नहीं करता है, लेकिन जो भी जीव और पुद्गल गति करते हैं उनकी गति में यह हेल्प करता है। जैसे एक एग्जाम्पल आता है ट्रेन का, ट्रेन की जैसे पटरी होती है, पटरी अपने आप में कुछ नहीं करती है, लेकिन पटरी होती है तभी ट्रेन चल सकती है, बिना पटरी ट्रेन नहीं चल सकती है। वैसे ही धर्मास्तिकाय होने से ही जीव और पुद्गल गति कर सकते हैं, बिना धर्मास्तिकाय जीव और पुद्गल गति नहीं कर सकते हैं। अस्तिका जो धर्मास्तिकाय में जो अस्थि भी है और काय भी है, धर्म प्लस अस्थि प्लस काय। तो हम शब्दों को तोड़ेंगे तो धर्म प्लस अस्थि प्लस काय। अस्थि का मतलब क्या होता है? त्रैकालिक पदार्थ, यानी तीनों काल में धर्मास्तिकाय था, यानी पास्ट में भी था, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में भी रहेगा। त्रैकालिक यानी तीनों कालों में धर्मास्तिकाय का अस्तित्व रहेगा। और काय का मतलब होता है प्रदेश समूह, जो एक साथ बहुत सारे जो ग्रुप मिल जाते हैं बहुत सारे प्रदेशों का, वो होता है काय। काय का मतलब होता है प्रदेश समूह। अधर्मास्तिकाय जीव और पुद्गलों की स्थिति में सहायता करने वाला प्रदेश समूह अधर्मास्तिकाय कहलाता है। जैसे धर्मास्तिकाय क्या करता है? जो जीव और पुद्गल गति करते हैं उसमें वो हेल्प करता है, और अधर्मास्तिकाय क्या करता है? जीव और पुद्गल की स्थिति में, यानी जो कोई भी ठहरेंगे रुकेंगे उसमें अधर्मास्तिकाय द्रव्य है वो हेल्प करता है। अब धर्मास्तिकाय है उससे क्या लाभ होगा, अधर्मास्तिकाय है उससे क्या लाभ होगा? तो भगवती सूत्र में गौतम गणधर
भगवान महर्षि स्वामी से प्रश्न करते हैं, भंते धर्मास्ति का ऐसे जीव को क्या लाभ होता है? तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, गौतम धर्मास्तिकाय होने से ही चलना बोलना चिंतन करना ये सब संभव है। जो भी हम चलते हैं बोलते हैं चिंतन करते हैं, हाथ पैर को हम जो हिलाते हैं डुलाते हैं आते हैं जाते हैं जो और कोई भी चीज हम भेजते हैं वो धर्मास्तिकाय है इसीलिए हो सकता है। यदि धर्मास्तिकाय नहीं होता तो चलना बोलना चिंतन करना यानी मन वचन काय की जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो धर्मास्तिकाय है इसीलिए ही संभव है। हाथ पैर को जो हम हिलाते हैं बोलते हैं चिंतन करते हैं कोई भी वस्तु को हम भेजते हैं वो सब धर्मास्तिकाय है इसीलिए संभव है। यदि धर्मास्तिकाय नहीं होता तो क्या होता? तो सब विश्व पूरा अचल हो जाता यानी स्थिर हो जाता। कोई भी चल नहीं सकता, कोई भी बोल नहीं सकता, कोई भी चिंतन नहीं कर सकता, कोई भी हाथ पैर नहीं ला सकता, कुछ भी नहीं कर सकता था। तो धर्मास्तिकाय होने से ये लाभ होता है कि चलना बोलना चिंतन करना हाथ पैर का हिलाना आना जाना ये सारी जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो धर्मास्तिकाय है इसीलिए ही संभव है। यदि धर्मास्तिकाय नहीं होता ये एक्टिविटीज हम किसी भी प्रकार की नहीं कर पाते। दूसरा प्रश्न भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, बनते यदि धर्मास्तिका है तो उससे क्या लाभ होगा? भगवान महावीर स्वामी कहते गौतम अधर्मास्तिकाय होने से सबसे पहला लाभ ये होगा खड़ा रहना, क्योंकि अधर्मास्तिकाय का काम क्या है? स्थिर रखना। हम जो बैठे हैं हम स्थिर रहते हैं वो किसके माध्यम से होते हैं? अधर्मास्तिकाय हमारी हेल्प करता है इसीलिए हम बैठ सकते हैं इसीलिए हम स्थिर रह सकते हैं। मन भी हमारा जो कंसंट्रेट होता है वो अधर्मास्तिकाय के कारण होता है। यदि अधर्मास्तिकाय नहीं होता तो हमारा मन भटकता ही रहता इधर उधर घूमता रहता। जब हम मेडिटेशन करते हैं मन हम कंसंट्रेट करते हैं वो अधर्मास्तिकाय हमारा हेल्प करते हैं। हम जो आंखें बंद करते हैं उसमें भी अधर्मास्तिकाय हेल्प करते हैं। हम सोते हैं जो भी हम काम करते हैं मतलब स्थिर होने का वो सारा काम क्या है? अधर्मास्तिकाय के माध्यम से ही संभव है। यदि अधर्मास्तिकाय नहीं होता तो पूरा विश्व चलता ही रहता, ना कोई खड़ा रह सकता ना बैठ सकता ना मन को स्थिर कर सकता ना सो सकता ना आंखें बंद कर सकता। अधर्मास्तिकाय के अभाव में बैठना स्थिर रहना कुछ भी संभव नहीं होता। तो भगवान महर्षि स्वामी ने कहा, गौतम अधर्मास्तिकाय के माध्यम से ही जीव खड़ा रह सकता है स्थिर हो सकता है मन को कंसंट्रेट कर सकता है सोना आंख बंद करना ये सब कुछ अधर्मास्तिकाय से ही संभव है। अधर्मास्तिकाय नहीं होता तो पूरा विश्व एनी टाइम चलता ही रहता फिर कोई भी व्यक्ति न सो सकता न बैठ सकता कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए अधर्मास्तिकाय का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे धर्मास्तिकाय गति में सहायक है वैसे ही अधर्मास्तिकाय क्या है? स्थिर रहने में सहायता करता है। नेक्स्ट है आकाशास्तिकाय। आकाशास्तिकाय क्या करता है? जो भी पदार्थ है सभी पदार्थ को स्थान देता है आश्रय देता है। जैसे हम बैठे हैं तो हम किसके माध्यम से बैठे हैं? आकाशास्तिकाय ने हमें स्थान दिया है इसीलिए हम बैठे हैं। यदि आकाशास्तिकाय हमें स्थान नहीं देता बैठने का हम नहीं बैठ पाते। अधर्मास्तिकाय ने हमें अधर्मास्तिकाय के माध्यम से तो हम स्थिर रह सकते हैं लेकिन आकाशास्तिकाय हमें स्थिर रहते हैं जब तो वो स्थान देता है तब हम खड़े रह सकते बैठ सकते हैं। अगर आकाशास्तिकाय हमें स्थान नहीं देता हम बैठ भी नहीं सकते कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो आकाशास्तिकाय जो भी पदार्थ है चाहे जीव हो चाहे अजीव हो जो भी पदार्थ है सभी पदार्थों को वो क्या करता है? आश्रय देता है स्थान देता है। आकाश के दो भेद है लोकाकाश और अलोकाकाश। जो लोकाकाश है उसमें धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय है क्योंकि जहां तक धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय है वहां तक जीव और पुद्गल की गति होती है और जहां धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय की गति नहीं होती है जहां धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय नहीं होता है वहां जीव और पुद्गल की भी गति नहीं हो सकती है। तो लोकाकाश में ही जीव और पुद्गल की गति होती है क्यों? क्योंकि लोकाकाश में ही धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय है इसीलिए लोकाकाश में ही जीव और पुद्गल की गति संभव है।
अलोकाकाश में धर्मास्तिकाएं अधर्मास्तिकाएं नहीं है, इसीलिए अलोकाकाश में जीव और पुद्गल की गति भी नहीं होती है। तो आकाश के दो भेद हमने कर दिए, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो लोकाकाश में जीव और पुद्गल की गति संभव है क्योंकि वहां धर्मास्तिकाएं अधर्मास्तिकाएं हैं, और आकाश अलोकाकाश में केवल आकाश ही है, वहां जीव और पुद्गल कुछ भी नहीं है, केवल शून्य है, आकाश ही आकाश है, उसका कोई और छोर नहीं है, वहां जीव और पुद्गल नहीं है क्योंकि वहां धर्मास्तिकाएं और अधर्मास्तिकाएं नहीं है, इसीलिए वहां जीव और पुद्गल की गति भी अलोकाकाश में संभव नहीं है। ये जो लोक है वो कितने रज्जु का है, वो आगमों में वर्णन आता है, प्रज्ञापना सूत्र जीवा जीवा बेगम में वर्णन आता है, ये जो लोक है 14 रज्जु प्रमाण है, चतुर्दश रज्जु प्रमाण ने 14 रज्जु प्रमाण का ये लोक है। जो अधोलोक है वो 7 रज्जु कुछ कम है, और जो मध्य लोक है वो 1800 यजन का है, और जो ऊर्ध्व लोक है वो 7 रज्जु कुछ कम है, नहीं, जो अधोलोक है वो 7 रज्जु कुछ अधिक है, और मध्य लोक है वो 1800 यजन का है, और ऊर्ध्व लोक है वो 7 रज्जु कुछ कम है, ऐसे टोटल करके 14 रज्जु का ये लोक होता है। नेक्स्ट है काल। काल का मतलब होता है समय, जो तत्व पदार्थों के परिवर्तन का हेतु है, यानी जो पदार्थ में परिवर्तन होता है, नए से पुराना होता है, उसका कारण क्या है, काल है। हम देखते हैं बचपन से हम युवा हुए, युवा से बूढ़ापे की ओर भी जाएंगे, तो ये बच्चे से युवा होते हैं, युवा से बूढ़ा होता है, बूढ़ा होने के बाद एक दिन मृत्यु की गोद में चले जाते हैं। वो सब जो परिवर्तन होता है हमारी बॉडी में, परिवर्तन होता है कपड़ों में, जो परिवर्तन होता है आयु में, जो परिवर्तन होता है, वो सब जो जीव और पुद्गल में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसका कारण क्या है, काल है, समय है। समय के अनुसार ही सब में परिवर्तन होता रहता है। हम बोलते हैं हम इतने साल के हो गए, समय तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन समय के आधार पर हम बताते हैं कि हम 50 साल के हो गए कि 25 साल के हो गए। हम अपनी एज को हम समय के आधार पर बता सकते हैं। जो कपड़ा होता है जब लाते हैं तब एकदम नया होता है, फिर धीरे धीरे वो पुराना हो जाता है, तब हम बोलते हैं 5 साल पुराना है। तो वो हम किसके आधार पर बताते हैं, काल के आधार पर बताते हैं कि ये 5 साल पुराना है, 10 साल पुराना है। कोई नया घर लेते हैं बोलते ये घर अभी लिया हुआ है, एकदम नया है, न्यू प्लांट है। जब पुराना हो जाता है कहते हैं समी जी ये 100 ईयर पहले का है, वो 100 साल पुराना ही हमारा घर है, हमारे परदादा यहाँ रहते थे। तो किसके आधार पे हम कह सकते हैं, काल के आधार पर कह सकते हैं, क्योंकि काल का काम क्या है, निरंतर परिवर्तन करते रहना। तो काल के आधार पर निरंतर पदार्थों में परिवर्तन होता रहता है। ये जो काल है उसके दो प्रकार है, निश्चय काल और व्यवहारिक काल। निश्चय काल का मतलब है जहाँ चंद्र और सूर्य की गति नहीं होती, वो निश्चय काल होता है। जहाँ चंद्र और सूर्य की गति होती है वो व्यवहारिक काल होता है। जैसे जो ढाई द्वीप है उसमें व्यवहारिक काल का प्रवर्तन होता है, क्योंकि यहाँ पे चंद्र और सूर्य की निरंतर गति होती रहती है। दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, तो सूर्य और चंद्र गति करते रहते हैं ढाई द्वीप में। लेकिन ढाई द्वीप के बाहर निश्चय काल प्रवर्तता है, क्योंकि ढाई द्वीप के बाहर चंद्र और सूर्य की गति नहीं होती है। जहाँ चंद्र है वह हमेशा रात रहती है, जहाँ सूर्य है वह हमेशा दिन रहता है, वह रात दिन का कोई भी अंतर नहीं होता, जहाँ रात है वह रात रहेगी, दिन है वह दिन रहेगा। लेकिन ढाई द्वीप में दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, यह क्रम चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे चंद्र और सूर्य की गति होती है। तो जो व्यवहारिक काल है उसमें तो चंद्र और सूर्य की गति होती है, लेकिन जो निश्चय काल है वहां चंद्र और सूर्य की गति नहीं होती है। ये जो काल है, अब काल का मतलब, जो काल को हम बोलते समय बोलते ना काल को, तो समय क्या है, काल का जो सूक्ष्मतम भाग है, सबसे छोटा भाव, उसको हम समय कहते हैं। तो उसको एक एग्जाम्पल से, दो एग्जाम्पल दिए हैं समय के लिए। तो कमल का जो पत्र है, जो लोटस होता है, लोटस का फ्लावर होता है, वो 100 लीव्स का, 100 पत्ते का है, जैसे 100 उसमें पत्ते हैं कमल का पत्र, एक साथ 100 पत्ते को इकट्ठा कर दिया। फिर उसके अंदर हमने सुई डाली,
तो सुई डालने से हमको लगता है एक साथ वो कट गए, छेदन हो गया, लेकिन एक साथ वो नहीं कटता है। सबसे पहले फर्स्ट कटेगा, फिर सेकेंड, फिर जाते जाते लास्ट में जो 100 नंबर का जो पत्ता है कमल का, वो छेदन होगा, उसका कटेगा। तो जो समय है वो कितना सूक्ष्म है, हमको लगता है कि एक साथ ही उसको हमने काट दिया है, उसका छेदन कर दिया है, लेकिन वो एक साथ नहीं होता है, क्रमशः होता है। फर्स्ट में, सेकेंड में जाते जाते वो जब लास्ट में जाते जाते पूरे का छेदन होता है। लेकिन सुई डाली और कमल के पत्ते इतने पतले होते हैं, एक साथ ही उसका छेदन हो जाता है। वो भी कौन जो एकदम युवा होता है, बलिष्ठ होता है, वो सुई डालता है, एक साथ लगता है, उसने एक साथ ही सब कमल के पत्ते को छेद दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो क्रमश होता है, क्योंकि काल है, जो काल का सूक्ष्मतम भाग है वो समय है। तो समय है बहुत ही सूक्ष्म होता है, उसको बहुत ही मुश्किल से हम जान पाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया है जीर्ण वस्त्र का, यानी एकदम ओल्ड आपका क्लोथ हो गया है, ओल्ड पुराना कपड़ा हो गया, एकदम जीर्ण शीर्ण, मतलब एकदम फटने वाला है, जर्जर हो गया है, एकदम गल जाता है ना जब कपड़ा पुराना हो जाता है, वो पुराना कपड़ा एकदम गल चुका है। तो उस कपड़े को कोई 32 साल का युवा, एकदम शक्ति संपन्न एनर्जेटिक है, वो युवा यदि इस कपड़े को फाड़ता है, ऐसा लगता है कि एक बार में उसने पूरे कपड़े को फाड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो कपड़ा होता है वो अनेक धागों से बना हुआ है। तो फर्स्ट में पहला धागा, फिर दूसरा, ऐसे करते करते लास्ट में जा करके वो एक एक तंतु को फाड़ते 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 एक साथ वो कपड़ा फट जाता है। लेकिन वो अपने को लगता है एक साथ फट गया, वो एक साथ नहीं फटता, धीरे धीरे एक के बाद दूसरा तंतु, दूसरे के बाद तीसरा तंतु, क्योंकि अनेक तंतु मिलते हैं, अनेक धागे मिलते हैं, तब जाकर के कपड़ा बनता है। एक एक धागा जब फटता है तब जाकर के लास्ट में कपड़ा फटता है, लेकिन देखने वाले को लगता है कि एक साथ इसे फाड़ दिया, एक बार ऐसे किया, जोर लगाए, पूरे कपड़े को फाड़ दिया। तो समय कितना सूक्ष्म होता है। आज वैज्ञानिकों ने भी ऐसा कैमरा खींच शोध कर ली है, ऐसा रिसर्च कर लिया है ऐसे कैमरे की, एक कैमरा ऐसा है 5 सेकंड में वो 5 करोड़ पिक्चर खींच सकता है, 5 करोड़ पिक्चर, ऐसा साइंस में बताया गया है कि यूके में एक ऐसी मशीन है जिसमें कैमरा खींचने की ऐसी मशीन है, तो 5 सेकंड में 5 करोड़ पिक्चर खींच लेते हैं, ऐसी मशीन भी आ चुकी है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि समय कितना सूक्ष्म होता है। इसलिए कहा गया काल का सूक्ष्मतम जो भाग है उसे समय कहते हैं। तो समय, उसके बाद होता है मुहूर्त होता है, फिर मुहूर्त के बाद दिन होता है, दिन के बाद सप्ताह होता है, सप्ताह के बाद पक्ष होता है, पक्ष के बाद महीना होता है, फिर 2 महीना 3 महीना ऐसे करके 5 महीना, फिर वर्ष होता है, फिर 5 वर्ष होता है, फिर युग होता है, फिर ऐसे करके संवत्सर होता है, फिर पल्लोपम सागरोपम, ऐसे बहुत सारे, मतलब इसकी संख्या है। तो जहां तक हम गिन सकते हैं तब तक तो संख्या होती है, तब तक संख्यात काल होता है, जब हम गिन नहीं सकते हैं वो असंख्यात काल में आ जाता है। तो काल में संख्यात काल भी होता है, असंख्यात काल भी होता है। तो जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं वो तो संख्यात काल होता है, जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं वो असंख्यात काल होता है। नेक्स्ट है रूपी, क्योंकि अरूपी अजीव के हमने प्रकारों की चर्चा की, अरूपी अजीव के अंतर्गत हमने 4 प्रकार की चर्चा की, धर्मास्तिकाय की, अधर्मास्तिकाय की, आकाशास्तिकाय की और काल की, ये 4 द्रव्यों की हमने चर्चा की, क्योंकि ये 4 द्रव्य अजीव हैं और 1 रूपी द्रव्य है, 5 द्रव्य में 1 रूपी द्रव्य है, पुद्गलास्तिकाय है वो रूपी है। रूपी क्यों है, क्योंकि इसमें वर्ण गंध रस और स्पर्श, यानी इसमें कोई ना कोई पुद्गल होता है, उसमें कोई ना कोई कलर होता है, कोई ना कोई स्मेल होती है, कोई ना कोई टेस्ट होता है, कोई ना कोई हम उसको टच भी कर सकते हैं, स्पर्श भी होता है। तो पुद्गलास्तिकाय में क्या होता है, वर्ण गंध रस और स्पर्श पुद्गल में वो होता है, ये पुद्गल का धर्म है। तो पुद्गल को हम कैसे बता सकते हैं कि जिसमें वर्ण गंध रस और स्पर्श होता है उसे पुद्गल कहते हैं। पुद प्लस गल, पुद का मतलब होता है मिलना, गल का मतलब होता है बिछुड़ना,
गलन और मिलन जिसका स्वभाव है, गलना और मिलना जिसका स्वभाव है उसे पुद्गल कहते हैं। तो पुद्गलास्थि काय में क्या करते हैं, इसमें गलन मिलन होता ही रहता है, पदार्थों का भी होता रहता है और जीव और पुद्गल, जीव जो है वो शाश्वत रहता है लेकिन जीव को जो शरीर मिला है उसमें परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है पुद्गलों से बना हुआ है, औदारिक शरीर है क्योंकि पांचों शरीर पुद्गलों से बना हुआ है। तो औदारिक शरीर में तो स्पष्ट दिखाई देता है क्योंकि बचपन में हमारा चेहरा कुछ और था, युवा में कुछ और था और ओल्ड हो जाएंगे तब कुछ और हो जाएगा। तो निरंतर जो परिवर्तन हो रहा है क्योंकि गलन मिलन हो रहा है, इसलिए एक एज के बाद हमारे चेहरे पे झुर्रियां आ जाती है, अलग चेहरा हो जाता है। युवा अवस्था में कितना अच्छा सुंदर जो दिखाई दे रहा था चेहरा, वो ओल्ड एज होते होते रिंकल्स आ जाते हैं। वो कारण क्या है, गलन मिलन पुद्गल में निरंतर होता रहता है, इसके कारण हमारी बॉडी में रिंकल्स आ जाते हैं। कितना ही हम ध्यान रखते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो थोड़ा लेट हो सकता है रिंकल्स, लेकिन निरंतर हमारी बॉडी में परिवर्तन होता रहता है, पुद्गलों में पदार्थों में परिवर्तन होता रहता है। सपोज आप कोई नई साड़ी आज लेके आए हैं, 5 साल के बाद आप जब आप अटैची खोलेंगे देखेंगे साड़ी एकदम पुरानी हो गई, उसका कलर चेंज हो गया है। उसका कारण क्या है, पुद्गल में परिवर्तन होता रहता है, उसके कारण उसमें बदलाव आ जाता है। हम जो बुक आज छपाई है एकदम वाइट पेज है, लेकिन 10 साल के बाद हम देखते हैं पेज के जो बुक के जो पेज होते हैं एकदम येलो हो जाते हैं, पुराने से हो जाते हैं। उसका कारण क्या है, पुद्गल का काम होता है, गलन और मिलन होता रहता है उसमें। और पुद्गल है उसके 2 प्रकार है, परमाणु और स्कंद। तो जो परमाणु है वो क्या है, सबसे छोटी इकाई है, स्कंद है सबसे बड़ी इकाई है। तो परमाणु पुद्गल की सबसे छोटी इकाई है, यानी पुद्गल है एकदम सबसे बड़ा है लेकिन सबसे छोटा सा पार्ट है वो है परमाणु। जब तक वो पुद्गल के साथ जुड़ा होता है तब तो वो स्कंद प्रदेश के रूप में होता है, जैसे ही पुद्गल से अलग हो जाता है वो परमाणु हो जाता है। तो सबसे छोटी इकाई परमाणु, उसको छेद नहीं सकते, उसको जला नहीं सकते, उसको हम देख नहीं सकते हैं, यद्यपि रूपी है लेकिन इतना सूक्ष्म परमाणु है इसको हम देख नहीं सकते हैं। तो पुद्गल की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं। स्कंद, स्कंद अचित महास्कंद है, वो सबसे बड़ा है, क्योंकि स्कंद होता है वो स्थूल होता है, वो दिखाई देता है, जैसे साड़ी है पूरी साड़ी है वो स्कंद है, वो हमें दिखाई देती है, उसका छोटा सा पार्ट हमने अलग कर दिया वो देश हो जाता है, सबसे छोटा जो तंतु होता है वो परमाणु हो जाता है। तो स्कंद है वो सबसे बड़ा स्कंद कौन सा है, अचित महास्कंद होता है। जैसे परमाणु होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है, वैसे स्कंद में कहा जाता है अचित महास्कंद होता है, वो सबसे बड़ा होता है। तो क्योंकि हमारा शरीर भी एक प्रकार का स्कंद है, लेकिन जब केवली होता है वो केवली समुद्घात करता है, उस समय पूरे लोक में जो भी शरीर के पुद्गल होते हैं वो पूरे लोक में भर जाते हैं, जिसके कारण अचित महास्कंद हो जाता है उस समय। तो सबसे बड़ा अचित महास्कंद केवली समुद्घात के समय होता है, इसलिए सबसे बड़ा स्कंद कहा गया अचित महास्कंद, क्योंकि पूरे लोक में वो फैल जाता है जब समुद्घात करता है जीव। क्योंकि जब समुद्घात कब किया जाता है, जब कर्म अधिक होते हैं आयुष्य कम होता है, दोनों को बराबर करने के लिए वेदनीय कर्म आयुष्य कर्म जो है उनको बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, केवली समुद्घात किया जाता है। केवली समुद्घात के समय पूरे लोक में जो भी पुद्गल होते हैं शरीर के बॉडी के जो भी प्रदेश होते हैं, शरीर के असंख्य प्रदेश होते हैं, एक जीव के असंख्य प्रदेश होते हैं, तो जीव के असंख्य प्रदेश होते पूरे लोक में फैल जाते हैं, उस समय अचित महास्कंद होता है, वो सबसे बड़ा होता है। तो ये हमने संक्षेप में 5 द्रव्य की चर्चा की, क्योंकि ये जो पहला बोल है उसमें अरूपी अजीव की चर्चा की गई है, अजीव की चर्चा की गई है। अजीव के अंतर्गत 2 प्रकार के बताए कि एक अरूपी अजीव एक रूपी अजीव। अरूपी अजीव के अंतर्गत हमने 4 द्रव्यों की चर्चा की, धर्मास्तिका है अधर्मास्तिका है आकाशास्तिका और काल। रूपी के अंतर्गत हमने पुद्गलास्तिकाय की चर्चा की, और पुद्गल के भी हमने 2 भेद बताए, परमाणु और स्कंद।
तो परमाणु होता है पुद्गल की सबसे छोटी इकाई होती है, और जो स्कंद होता है वो सबसे बड़ा स्कंद होता है, वो अचित महास्कंद होता है। तो संक्षेप में हमने जानकारी प्राप्त की, इसी से संबंध कोई भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। वंदामी, वो अचित महास्कंद अचित क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो जो हमारे शरीर से जो भी पुद्गल निकलते हैं वो अचित होते हैं। ओके।